हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस। भावना है अगेन विद द सेम चैप्टर ऑफ 11th सीरीज द लिविंग वर्ल्ड। टॉपिक इज न्यू टैक्सोनॉमिकल एड्स। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या है टैक्सोनॉमिकल एड्स की अगर हम बात करते हैं तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल नोइंग आर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। कहने का मतलब क्या है कि टैक्सोनॉमिक जो स्टडी होती है वो बहुत जो हमारे ब्रांचेस हैं साइंस की लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री और बायो रिसोर्सेज या फिर एनिमल्स और प्लांट्स की डाइवर्सिटी, उनमें उनको पढ़ने और जानने के लिए हेल्पफुल होती हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको हम गैदर करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं इन फॉर्म ऑफ स्पेसिमेंस और प्रिजर्व करके रखते हैं हम इनको लैबोरेटरीज में, या फिर हमें फील्ड स्टडीज़ करनी होती हैं तो फील्ड स्टडीज़ में हम इनको उस हिसाब से रखते हैं। कलेक्शन इसमें बहुत ज़रूरी होता है, जो प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज का कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। या तो हम उसको लैबोरेटरी में कलेक्ट करके रख रहे हैं, या उसको स्पेसिमेन बना के रख रहे हैं, या हम उसकी फील्ड स्टडी कर रहे हैं, दैट डिपेंड। बट मेन कारण, मेन चीज़ जो क्या है इसमें कि भाई हम उनका कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो ये इसकी जो फंडामेंटल जो स्टडी है, मेन जो एम है इस स्टडी का क्या है, मतलब ट्रेनिंग इन एसेंशियल फॉर द ट्रेनिंग इन द सिस्टमेटिक्स। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में हेल्पफुल होता है, उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो कुछ प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, किस लिए स्टोर और प्रिजर्व कर सकें, ताकि वो कौन सी इंफॉर्मेशन जो हमें उस प्लांट के बारे में पढ़ना है या उस प्लांट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखनी है, तो हमें एज अ स्पेसिमेन या तो हम उसको ड्राई करके रख सकते हैं, जैसे कि हम फूलों में कई फूलों को रख देते हैं कई बार बुक्स वगैरह में, तो हम या तो उनको ड्राई प्रिजर्व करके रखें, प्रेस करके रखें, है ना, और या फिर हम उसको स्पेसिमेंस में रखें। मोस्टली आप लोगों ने 9th में और अब आपने 11th में लेबोरेटरीज में जाकर आप नॉर्मली भी देखोगे तो आपको स्पेसिमेंस में कुछ प्लांट्स एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, है ना। अगर आपको ये चीज़, अब ये टैक्सोनॉमी के एड्स का मैंने आपको एक जो एम था वो बताया। अब इनमें बहुत सारे हैं टैक्सोनॉमी के एड्स जो हैं वो यहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं कि वो कौन कौन से हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, तो हम वन बाई वन उनको देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है, प्लांट स्पीसीज जो होती हैं ना उनको ड्राई, प्रेस्ड और प्रिजर्व करके रखा जाता है, मतलब किसी शीट के नीचे उनको दबा कर रख दिया जाता है, एंड देन उनको फिर क्या करा जाता है, उनको क्लासिफाई किया जाता है, फिर हर्बेरियम शीट पर उनका डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, है ना, और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, फ्यूचर यूज़ के लिए उसको रख दिया जाता है कि भाई इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये, इस जीनस का है ये पौधा। हर्बेरियम शीट जो होती हैं उनके अंदर पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो विद डेट होती है, एक लोकल और एक इंग्लिश लैंग्वेज के साथ होती है, साथ में बॉटनिकल नेम्स होते हैं उसमें, उस प्लांट की फैमिली लिखी जाती है और किसके द्वारा वो पौधा कलेक्ट किया गया है उस कलेक्टर का नाम उसमें दिया जाता है। कहने का मतलब है हमें एकदम क्विक किसी प्लांट को जानना है तो हम एक हर्बेरियम उठा करके, एक हर्बेरिया में जा करके हर्बेरियम में हम उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बॉटनिकल गार्डन्स। बॉटनिकल गार्डन्स क्या है, लिविंग है, मतलब हमने इस्टेब्लिश करके लगे, इंसान ने उनको इस्टेब्लिश करके रखा है, स्पेशलाइज गार्डन्स हैं वो जिनमें लिविंग प्लांट्स जो होता है वो हमने कलेक्ट करके रखे हैं, किस लिए, फॉर द रेफरेंस ऑफ द फ्यूचर स्टडी, मतलब आगे की स्टडी हम उनमें कर सकें। अब उनमें क्या है, वो जो गार्डन में
जो प्लांट स्पीसीज गार्डन में जो ग्रो हैं वो उन्हें हम पहचान सकें, आगे को जान सकें। जैसे हम आजकल कुछ पौधे हैं नहीं जान सकते, पर बोटानिकल गार्डन में जाकर हम बहुत सारे पौधे हैं जो कि ऑलरेडी ग्रो किए हुए हैं, हम उनको उनके लेबलिंग से जान सकते हैं। वहाँ पर उनका लेबलिंग किया जाता है, लेबलिंग मतलब वहाँ पर उनका साइंटिफिक नेम मेंशन होगा, बोटानिकल साइंटिफिक या फैमिली के साथ उनका नाम इंडिकेट होता है, है ना। फेमस बोटानिकल गार्डन है क्यू इंग्लैंड में है, और हमारे इंडिया में भी है बोटानिकल गार्डन, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में, कोलकाता में, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। तो ये कुछ एग्जांपल थे। म्यूजियम्स की बात कर लेते हैं हम। म्यूजियम्स क्या हैं? ये बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं, जनरली सेटअप किए जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, वहाँ पे इनको सेटअप किया जाता है, है ना। किस लिए किया जा रहा है भाई? स्टडी और रेफरेंस के लिए उनको किया जा रहा है। इसमें क्या करते हैं, स्पीसीज जो स्पेसिमेंस होते हैं ना, उनको जार्स और कंटेनर्स में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जैसे फॉर्मिक एसिड वगैरह के अंदर उनको डिप करके रखा जाता है। प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंस जो होते हैं प्रिजर्व भी हो सकते हैं, मतलब जार्स में भी रखे हुए हो सकते हैं, और ड्राई स्पेसिमेन भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसमें, हाँ, जो हर्बेरियम था, जैसे ड्राइड वगैरह जो होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो भी रखे जा रहे हैं उसमें, इंसेक्ट जो भी प्रिजर्व किए जा रहे हैं उनको हम बॉक्स में कलेक्ट करते हैं, किलिंग करके पिनिंग किए होते हैं। इंसेक्ट को कैसे करते हैं, मारकर उनको पिनिंग किया होता है और फिर उनका लेबलिंग किया होता है। और लार्ज एनिमल है जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनको हम एज अ स्टफ्ड एंड प्रिजर्व किया जाता है, है ना। म्यूजियम्स जो होते हैं ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। म्यूजियम्स में आपको स्केलेटन्स भी मिल जाएंगे, वहाँ पर स्केलेटन्स को भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स वो होते हैं प्लेस वेयर द वाइल्ड एनिमल आर कैप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। मतलब कि ऐसा प्लेस जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा गया है एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में, जहाँ पर हंटिंग वगैरह पे पूर्णतः रोक होता है, वहाँ पर हंटिंग वगैरह अलाउ नहीं होती, हम वहाँ पर उन एनिमल्स को टच भी नहीं कर सकते। वहाँ पर पूरे वो ह्यूमन केयर के अंडर में होते हैं, उनकी फूड हैबिट्स का, उनके बिहेवियर का स्पेशल ध्यान रखा जाता है, है ना। जो एनिमल्स होते हैं उनको जू प्रोवाइड करा जाते हैं जितने हो सकते हैं, और वैसी ही कंडीशन क्रिएट की जाती हैं जैसी उनकी नेचुरल हैबिटेट्स में होती हैं। मतलब एक नॉर्मल जो शेर चीता या हिप्पोपोटामस जो है वो अपने जो जंगल में रहेगा, उसी तरह की जो एनवायरनमेंट होता है वो जूलॉजिकल पार्क्स में क्रिएट किया जाता है। उतनी ग्रीनरी होती है वहाँ पर, उतने ही पौधों को ग्रो किया जाता है, और इस तरह से उनको उन्हीं का जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जू। आप नॉर्मली भी कभी गए होंगे जू देखने के लिए, तो आप कभी भी जाओ जू तो आप ये चीज़ देखिए कि वो एक टैक्सोनॉमिक एड का ही एक पार्ट है, जिसमें हमें स्टडी कराने के लिए या फर्दर हम उन चीज़ों को लाइफ में, अगर हमारे पास वो जो स्पीसीज़ें ख़त्म हो रही हैं हम उनको कहीं ना कहीं जाकर सर्च कर सकते हैं। तो अगर हम कहीं ना जाकर जूलॉजिकल पार्क्स में चले जाएं और वहाँ पर जाकर हम उसकी स्टडी करें, तो वी कैन ईजीली स्टडी दैम विदाउट टचिंग दैम एंड डिस्टर्बिंग दैम। लास्ट आता है हमारे पास की, ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड ही है जो कि आइडेंटिफिकेशन करता है प्लांट्स और एनिमल की, किस लिए, किस बिहाफ पे, उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड उनकी डिससिमिलैरिटीज़। ठीक है, मेन चीज़ आप इसमें ध्यान रख सकते हो। ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है, जनरली इन पेयर्स कॉल्ड द कपलेट्स। ठीक है, इनमें क्या है, इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट्स ऑप्शन। ये दो अपोजिट्स ऑप्शन में चॉइस को रिप्रेजेंट करता है, एंड रिजल्ट इन द एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। वहाँ पर क्या है कि एक को एक्सेप्ट करना है, दूसरे को रिजेक्ट करना है। ठीक है, कीज जो होती हैं ना एनालिटिकल इन नेचर होती हैं, एनालाइज कर रहे हैं हम इसमें, एनालिटिकल होती हैं, इनमें हम कंपैरिजन सिमिलैरिटीज़ डिससिमिलैरिटीज़ को लेकर चल रहे होते हैं। और सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज जो होती हैं वो किस लिए ज़रूरी होती हैं, हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के लिए, जैसे फैमिलीज, जीनस, स्पीसीज, इनको हम आइडेंटिफाई पर्पज़ से कर सकें। मतलब भाई उनमें जैसे कि
बिल्ली है, टाइगर है, उनमें सिमिलरिटीज़ हैं कहीं ना कहीं, पर वैसे वो फैमिली से अलग 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 दोनों ही फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। तो ये जो चीज़ है ये की के अंदर आती है, मतलब आप ध्यान रखिए की जो होती है ये एनालिटिकल होती है नेचर में। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो 11 क्लास की सीरीज़ का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर फिनिश होता है आज। अगर आपको इससे लेकर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इसको करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, श्री फिज़िक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।